friends, welcome back to my channel The Trip to Bug. And for this vlog we are going to the trip to Bakur. Bakur is an eco tourist place and ye vlog mein main aapko sab batane wali hu, where I ate, what I ate as breakfast, lunch and what were the all the adventure activities which I went through the whole day. So stay tuned and for every detail do not forget to subscribe my channel. Abhi main aapko fatafat ready hoke milti hu bus mein. इस बार ट्रिप पे मैं अकेली नहीं जा रही थी. इस बार आई बुक्ड माई ट्रिप विद द मोज टूरिज्म एंड दिस आर द फॉक्स आई एम ट्रैवलिंग विद. वी आर गोइंग टू द ट्रिप टू बाकुर जो है महिसागर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है. अन्योर, मालपुर एंड माही नदी के साथ साथ हम पहुंच रहे थे बाकुर विलेज की तरफ. हमारी ट्रिप की शुरुआत सुबह 5 बजे हुई थी मोज टूरिज्म के साथ. पहले उन्होंने हमें पिकअप बस से पिक किया अहमदाबाद सिटी के अंदर से एंड देन उद्धव सर्कल से, दैट इज NH 47 जहाँ से स्टार्ट होता है, वहां से हम मेन बस में बैठे थे. एंड नींद करते हुए कब बाकुर पहुंच गए पता ही नहीं चला. पार्थ राठौर अने तमने जे कोई पण प्रॉपर गाइडलाइंस आपे अने तमे प्लीज फॉलो करजो. एटली रिक्वेस्ट छे मारी अने जो तमे मने कोऑपरेट करशो तो तमने टाइम पूरो आपीश प्लस तमने मजा पण अलग आवशे. उसकी गाइडलाइंस सुन के हम सीधा चले कैंप साइट पे. यहाँ की सबसे अच्छी बात मुझे यही लगी कि यहाँ पे सारे COVID-19 के रूल्स फॉलो किए हैं उन्होंने. मैं आपको पूरा कैंप साइट का टूर दूंगी पर वो आगे व्लॉग में दूंगी. अभी मुझे बहुत भूख लगी है तो सीधा चलते हैं नाश्ता करने. पेट पूजा के बाद अब मेरा पूरा क्रू इकट्ठा हो गया था जंगल ट्रैकिंग के लिए. पार्थ सर की गाइडलाइंस के साथ हम आगे बढ़े जंगल ट्रैकिंग की तरफ. गाइस अभी कैंप साइट के सामने से ही जो रास्ता जाता है दैट इज स्ट्रेटली गोइंग फॉर द गोइंग टू द ट्रैक. अभी गाइस ट्रैक वाली फीलिंग आना चालू हो गई है. ये देखिए नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, पत्थरों के बीच से हम चल रहे हैं. दोस्तों के साथ बातें करते हुए, मस्ती करते हुए हम चल पड़े ट्रैकिंग की तरफ. देखिए गाइस हमारे साथ जो थे वो वहाँ पे है. हमें यहाँ से पहले नीचे जाना है, फिर वापस चढ़ना है एंड फिर हम वो पॉइंट पे पहुँचेंगे जहाँ पे हमारे दोस्त वेट कर रहे हैं. सो लेट्स गो. मैंने सब सामान उसको दे दिया है, वो सब लेके जा रहा है. वैसे एक पानी की बोतल ही है पर फिर भी उसको बहुत ज्यादा लग रहा है. ये क्या है? स्वेटर ही, एक स्वेटर ही और कुछ नहीं है. इतना तो चलता है ना. एंड ट्रैकिंग शूज इज अ मस्ट गाइस. ट्रैकिंग शूज के बिना यहाँ पे मत आना. शूज पहन के ही अगर मैं पूरे ट्रैक को 300 में डिवाइड करूं देन आई कैन से दैट दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. रोज लगेगा कि एवरी संडे आई शुड टेक अ ट्रिप ओवर हियर. The view is really, really, really mesmerizing. दस मिनट का ब्रेक लेके एंड व्यूज के साथ अच्छे अच्छे फोटोज खींच के हम आगे चले. फोटोज देखने के लिए मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा. हम आगे जा सकते हैं. अगर कीचड़ में पैर गया.
अभी तक का जो रास्ता था वो सीधा ही था, पर यहाँ से आगे थोड़ा पहाड़ी रास्ता है। चुके हैं, सांस बहुत फूल चुकी है। एंड ये भी थक चुका है। अभी हम 2-3 किलोमीटर ही चले होंगे, पर रास्ते थोड़े पहाड़ी टाइप्स के हैं एंड पत्थर है, थोड़ा पानी भी बीच में था, गीला भी था, तो थक तो बहुत चुका है। पर व्यू यहाँ के बहुत मस्त है, तो व्यू के लिए थोड़ा तो बनता है। अभी क्या करें, फोटो सेशन के लिए ये बेस्ट जगह है। आप देख सकते हैं कि जो मेरा पूरा क्रू है दैट इज ओवर हियर रेस्टिंग एंड डूइंग फोटो सेशन। पॉइंट टू की तरफ जा रहे हैं, वी आर वेरी नियर टू पॉइंट टू। गाइस चॉकलेट केक हो एंड उसके ऊपर एक चेरी हो, सो दैट इज एन एक्स्ट्रा हैप्पीनेस, राइट? सेम थिंग हैज हैपेंड विद मी हियर इन बाकोर। आई केम हियर फॉर द जंगल ट्रैकिंग। व्यूज तो बहुत मस्त है ही, मैंने दिखाया जो आपको, पर उसके साथ साथ देयर इज वन मोर थिंग, लेट मी शो यू। बी रेडी गाइस, जस्ट लुक एट द व्यू। यहाँ से आगे का जो ट्रैक है वो थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए कोच सर हमें गाइडलाइंस दे रहे हैं। लेक से राइट हैंड साइड पे जो पहाड़ है उसी से चल के हमें आगे जाना है। लेक के बाद का जो रास्ता है वो बहुत खतरनाक है। मेरे को शूट करने में भी ऐसा लग रहा है कि कहीं ये गिर ना जाए मेरे हाथ से गैजेट, पर एंड मैनेजिंग इट। मेरे पीछे पूरा क्रू आ रहा है एंड जो हमारे कोच सर है वो आगे पहुंच चुके हैं, वो हमें बुला रहे हैं जल्दी जल्दी, पर हम बहुत थक चुके हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं। रास्ते आप देख ही सकते हो कितने खतरनाक है। जरा सा आपका पैर फिसला सीधे जाके गिरोगे वो लेक में, रास्ता काफी खतरनाक है। आप देख सकते हो कि हम कितना ऊपर पहुंच गए हैं लेक से। सर है वो दूसरे रास्ते से पहाड़ से चढ़ के ट्रैक करके आ रहे हैं। हम तो एक रास्ता बनाया गया था वहां से आए, पर ये ट्रैक पकड़ के आए पहाड़ों से। गाइस ट्रैक करते करते सांस जरूर फूल जाती है, पर यहाँ के जो व्यूज है आई कैन नॉट डिस्क्राइब, लेट मी शो यू गाइस। गाइज अभी फोटो सेशन करके व्यू का मजा लेके हम अभी जा रहे हैं वापस, एंड वापस जाने में दिक्कत यही है कि जो चढ़ान हमने चढ़ी थी उसको उतरनी है, दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट बिकॉज स्लिप होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। गाइज हम आधे रास्ते पहुंच गए हैं, नाउ वी आर एट द मिड वे। ऊपर से नीचे आ गए हैं, बहुत ही स्लाइडिंग था, सो व्लॉग नहीं लिया मैंने, पर अभी और आधा आगे जाना है, लेक तक पहुंचेंगे। लेक के बाद तो सीधा ही है, लेक के बाद यू वॉन्ट फील लाइक ट्रैकिंग, इट्स जस्ट वॉकिंग ऑन द विलेज रोड, बट लेक के बाद ट्रैकिंग स्टार्ट होता है। इट्स नॉट दैट लॉन्ग बट इट्स वेरी स्टीपी।
धोड़ावंता लेक के बाजू में बैठ के हम लोगों ने मेडिटेशन किया, फिर गाने सुने, अंताक्षरी खेले एंड रिलीज हुआ। गाइज अभी हम लेक तक पहुंच गए हैं। लेक तक आने के लिए हमने सेम रास्ता चूज किया था, पर अभी लेक से आगे जाने के लिए, वापस हमारी कैंप साइट तक जाने के लिए, वी आर चूजिंग अ डिफरेंट वे विच इज बिट ऑफ मोर माउंटेनियर देन अर्लियर। हम जब लेक से जा रहे थे देन उसके ठीक सामने ये जो गांव के लोग बैठ के कुछ एक्टिविटी कर रहे थे। ट्रैक खत्म होते होते दोपहर हो गई थी, लंच का टाइम हो गया था एंड भूख भी बहुत ही ज्यादा लगी थी, तो कैंप साइट पे पहुंचते ही सीधा हमने अटैक किया लंच पे। लंच के लिए भी अरेंजमेंट काफी सही था, सबको लाइन में खड़ा रहना था एंड एक एक करके आगे बढ़ के लंच लेना था। वैरायटीज भी काफी थी, मैंने ट्रैक पे इतना अच्छा लंच तो नहीं एक्सपेक्ट किया था। एंड बाय गुलाब जामुन हैज जस्ट वॉन माय हार्ट। ट्रैक हो गया, लंच हो गया एंड नाउ द टूर ऑफ द कैंप साइट। हमने लंच किया था एंड ठीक उसके सामने गार्डन एरिया है ओवर हियर एंड बाजू में ही है स्विमिंग के बाद में जो ग्राउंड है दैट इज प्ले ग्राउंड फॉर वॉलीबॉल। सामने जो गार्डन है, सामने ठीक सामने वहां पे आर्चरी के लिए सेटअप किया गया है। आर्चरी के बाद में ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू विल गेट द स्विंग्स जो कि मेरा बहुत फेवरेट है। स्विंग्स के बाद आते हैं यहाँ पे टेंट्स। यहाँ पे आप लोग नाइट स्टे भी कर सकते हो, उसके लिए टेंट्स है, कॉटेजेस है एंड रूम्स भी है। मैं यहाँ सिर्फ डे ट्रिप के लिए आई थी सो आई हैवंट बुक दिस, पर आप यहाँ पे नाइट भी एंजॉय कर सकते हो। रात में यहाँ पे कैंप फायर एंड डीजे पार्टी, गरबा ये सब भी होता है। आजू बाजू ग्रीनरी देख रहे हो गाइस, इट वुड बी लाइक आप नेचर के गोद में ही सो रहे हो। जो एरिया है वो है बर्मा ब्रिज। हम कैंप साइट पे रुके थे जहाँ पे हमने लंच किया, जहाँ का टूर मैंने आपको दिखाया, वहां से हम अभी निकल चुके हैं एंड पहुंच गए हैं वाटरफॉल की कैंप साइट पे। वाटरफॉल की साइट पे पहुंच के ही हम लोग बस से उतर गए एंड दोज वांट टू स्विम एंड दोज वांट टू बाथ दे हैव चेंज्ड देयर क्लोथ्स एंड नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द वाटरफॉल। वाटरफॉल फ्रॉम हियर इज जस्ट 500 मीटर्स अवे बट स्टिल आई एम नॉट एबल टू हियर द फॉल सो लेट मी गो स्टिल नियर टू इट एंड देन आई शो यू। इस वाटरफॉल का जो रास्ता है वो अभी अभी शायद नया बना है, बाकी पहले कच्चा रास्ता हुआ करता था। इट्स मोर लाइक विलेज रोड, विलेज में कैसे छोटे छोटे रोड होते हैं, इट्स काइंड ऑफ दैट। ये रास्ता जो है वहां से हम आए थे बस को लेके, बस हमने इस तरफ पार्क की एंड अभी वापस इस तरफ जा रहा है। वाटरफॉल के तरफ का जो रास्ता है वो बहुत ही कच्चा रास्ता है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि आप जंगल से होते हुए जा रहे हो। वी आर ऑलमोस्ट देयर, लेट मी शो यू द फॉल। बाजू में दो वाटरफॉल्स है, एक का बहाव थोड़ा सा कम है तो वहां पे आप नहा सकते हो, सब मिलके गेम्स खेल सकते हो।
आफ्टर स्पेंडिंग अबाउट 1 आवर इट वॉज अ टाइम टू गो। फॉल से वापस जा रहे हैं हम, थोड़ा सा चल के संभल के चलना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे जो रॉक है वो काफी स्लिपरी है, क्योंकि मॉनसून सीजन में जो वाटरफॉल होता है उसका बहाव बहुत ही ज्यादा तेज होता है, तो ये सारे रॉक से होते हुए जाता है। दैट्स व्हाई द रॉक्स आर वेरी स्लिपरी एंड सो संभल के चलना। पूरा दिन नेचर के साथ रह के मूड भी एकदम मस्त हो गया था। वापस जा रहे थे कैंप साइट पर, अभी गरबा बाकी है ना। मुझे तो भाई गरबा करना था तो मैं तो चली यहाँ से आगे। तो हो गया तो अभी भजिए भी तो खाने पड़ेंगे। हाई टी थी पर हाई टी कम और हैवी टी ज्यादा थी। गाइस इट्स अराउंड 6:30 एंड ट्रस्ट मी यहाँ से बिल्कुल जाने का मन नहीं हो रहा है। अभी भी ऐसा लग रहा है कि वॉलीबॉल खेले, डांस करे, डीजे करे, गरबा, एवरीथिंग। वी डिड एवरीथिंग व्हिच इज पॉसिबल इन टर्म्स ऑफ कॉलिंग फन, लाइक ईच एंड एवरीथिंग। पर अभी क्या करे, 6 बज गए तो निकलना तो पड़ेगा ही। पिकनिक में मजा आवी, जावानु मन छे गरबा कोई कोई करी, हाथ ऊंचो करो, हाथ ऊंचो करो, हजी गरबा छे पण हवे अमदावाद जाऊ पड़े छे नहीं। खत्म होते होते सारे क्रू मेंबर्स फ्रेंड्स बन चुके थे एंड सभी फ्रेंड्स के साथ अंताक्षरी खेलते हुए हम पहुंच गए अहमदाबाद।